नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट दो दिवसीय रायपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि कई विषयों पर चर्चा हुई, दक्षिण चुनाव को लेकर रणनीति बनाई, वार्ड से लेकर प्रदेश लेवल तक काम कैसे करना है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को 9 साल हो गए हैं, लेकिन देश भर में बीजेपी का क्रम लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट है, सभी मेंबर्स का कहना है कि हम चुनाव जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी पर आरोप लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि आरोप बेबुनियाद है, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह का बयान देना गलत है, जिसकी हम निंदा करते हैं। वहां करी और प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हमने एक रूपरेखा तैयार करी है। आगामी समय में रायपुर दक्षिण में उपचुनाव होगा विधानसभा का, उसको लेकर हमने रणनीति बनाई है और उसके कुछ समय के बाद यहां पर जो लोकल बॉडी के चुनाव होंगे उसको भी सब लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ हम लोग कैसे करेंगे। वार्ड से लेकर प्रदेश लेवल तक हम पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की भूमिका हम लोगों ने तय करी है। हमारे तीन जो प्रभारी हैं, दो नए नियुक्त किए हैं, सरिता जी और संपत जी, उनका सबसे आज मुलाकात करने का मौका मिला और सभी नेताओं ने एक स्वर से इस बात को रेखांकित किया है कि 9 साल की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। जनता का विश्वास बहुत जल्द वो खो बैठे हैं, लेकिन आज लोग उम्मीद से देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। भारतवर्ष में, देश भर में भाजपा का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है और इस उपचुनाव के माध्यम से हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता लोग पूरे देश को संदेश देंगे कि 2028 के चुनाव में दोबारा भारी बहुमत के साथ हम लोग वापसी करेंगे और सभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नेतृत्व एकजुट है। खड़गे जी, राहुल जी के निर्देश के अनुसार हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी नेता, हमारे वार्ड मेंबर से लेकर प्रदेश के नेता, सब इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। बड़े दुख की बात है कि राहुल गांधी जी को लगातार जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो उस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज को शोभा नहीं देता। पहले केंद्र सरकार के एक मंत्री ने राहुल गांधी जी पर बेबुनियाद आरोप लगाए, बड़ी हल्की भाषा का प्रयोग किया। आज एक शिवसेना के विधायक हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने एक बहुत ज्यादा निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया और मुझे लगता है कि न सिर्फ उनकी पार्टी को लेकिन कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और जो देश का नेतृत्व करते हैं उनको सफाई देनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस प्रकार की शब्द का प्रयोग करना, शब्दावली का प्रयोग करना, बयान देना, धमकी देना और हिंसक बातों को बोलकर देश की राजनीति का जो माहौल बिगाड़ने का काम सत्ता पक्ष कर रही है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे भारत सरकार की बात करें, मैं उसकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की पार्टी है, हमने हमेशा शालीनता, प्रेम, सद्भावना और अहिंसा की बात की है, लेकिन अभी जो देश का माहौल है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। इस बात को नेता लोग भांप गए हैं। जिन दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, भाजपा पिछड़ रही है। उस हार के कारण जो बौखलाहट इन नेताओं के जहन में है वो एक अभद्र भाषा के रूप में सामने आ रही है और वो राहुल गांधी जी को कितना टारगेट कर लें, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। देश की संसद में जो लगातार विधेयकों को उनको वापस लेना पड़ रहा है, देश की राजनीति में जो एजेंडा सेट कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इंडिया अलायंस कर रही है, उसका जवाब भाजपा के पास है नहीं। इसलिए मुझे बड़ा दुख है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश हमारी सत्ताधारी नेता कर रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो माफी मांगेगा और इन बयानों से अपने आप को दूर करेगा ताकि गलत संदेश समाज में, देश में ना जाए। अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष जी, पी एस सिंह देव जी, हमारे सब, भूपेश बघेल जी भी यहां थे, हम सब लोगों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए जो कदम उठाने हैं उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है और मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है कि हमारे सभी साथी प्रदेश में जाएंगे, सीधा संवाद हमारे कार्यकर्ताओं से किया जाएगा, जहां पर कमियां हैं उसको पूरा करेंगे, जो रिक्त पद हैं उनको भरेंगे, जो निष्क्रिय लोग हैं उनकी जगह नौजवानों को और सक्रिय लोगों को मौका देने का काम हम लोग करेंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और मुझे इस बात का भी दुख है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृहमंत्री के जिले में इस प्रकार लगातार हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है।
अभी कवर्धा में कल जो हुआ हम सबके सामने, लगातार इस प्रकार के हिंसक वारदातों को अंजाम देने का जो एक माहौल बना है उसके लिए पूर्ण तरह प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं सरकार को कि आप कठोर कदम उठाएं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन आप आपसी खींचतान में इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, संचालन दिल्ली से होता है, प्रदेश की सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, कोई नैतिक ताकत नहीं है निर्णय लेने की, अफसरशाही हावी है, और जो ऐसे एलिमेंट्स समाज में हैं जो हिंसा करते हैं, शोषण करते हैं, चक्कूबाजी हो रही है, दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आपसी झगड़े हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। हम अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी हम सभी वरिष्ठ नेताओं को वहां भेजेंगे, मौका मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, रिपोर्ट लेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो करेक्टिव मेजर उठाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार के वायलेंस को यहां प्रदेश में कोई जगह ना हो। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय संघ संगठन महामंत्री शिव प्रकाश संघ और संगठन की महत्वपूर्ण बैठक ली। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े प्रमुख लोगों के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और अन्य पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी यहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सामाजिक मुद्दों, योजनाओं और नीतिगत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं बैठक को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस आरएसएस की बैठक है, संगठनात्मक बैठक है, सभी विषयों पर चर्चा हुई। राजधानी रायपुर में आरएसएस संघ की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि निगम मंडल के बाद का विषय है, पहले प्राधिकरण पर सीएम चिंता कर रहे हैं, जल्द इस पर निर्णय होगा। उन्होंने नवरात्रि के पहले जारी होने के सवाल पर कहा कि नवरात्रि तो अभी दूर है। देशभर में इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार डीजे बैन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है जिसमें डीजे बैन रहेगा। राजधानी रायपुर में कल गणेश उत्सव की झांकी निकाली जानी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि बगैर डीजे झांकी निकल पाएगी या नहीं। बहरहाल 19 सितंबर को झांकी तो निकल जाएगी, लेकिन डीजे पर अभी भी संशय बना हुआ है। मामले पर गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोर्ट के नियम का पालन तो करना है, लेकिन भगवान का विषय है तो डीजे तो बजेगा लेकिन नियम के दायरे में रहकर ही बजेगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आतंकवादी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर वन आतंकवादी हैं क्योंकि वो इस देश को बांटना चाहते हैं। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, जीभ काटने वाले को 11 लाख रूपये इनाम दिए जाने, संबंधित अमर्यादित बयान दिए जाने के विरोध में सुकमा में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड के पास NH-30 पर बीजेपी नेताओं का पुतला दहन किया। सुकमा जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नक्सलियों की ओर से सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के मंसूबे से सुरक्षा बलों के आने जाने वाले मार्ग में टिफिन आईईडी बम लगाए गए जाने की सूचना मिली, जहां सलातोंग कैंप से आगे लगभग कुछ किलोमीटर दक्षिण दिशा और कुछ पूर्व दिशा में अज्ञात नक्सलियों की तरफ से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से 2 IED बम को प्लांट किया गया, जिससे सुरक्षा बलों ने सूझबूझ और सुरक्षित तरीके से बरामद कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बलों के BDS टीमों द्वारा निष्क्रिय किया गया। दुर्ग के वार्ड क्रमांक 24 में एक बुजुर्ग दंपत्ति की तरफ से भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। इसी बीच एक गोल्डी नाम के व्यक्ति की ओर से निर्माण कार्य में बाधा डाली गई। दोनों ही पक्षों के बीच आपसी विवाद बढ़ता देख वार्ड पार्षद नरेश तेजवानी ने मामले को सुलझाने के लिए बीच बचाव किया, परंतु बाद में वार्ड के पार्षद को पता चला कि उसके खिलाफ
गोल्डी ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जबकि वार्ड पार्षद का कहना है कि वो केवल मामले को सुलझाने के लिए गए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो केवल उस स्थान पर खड़े होकर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहीं मोहन नगर थाने में एफआईआर की सूचना मिलने पर बीजेपी के समस्त पार्षद दल और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया और विरोध किया। उन्होंने कहा कि बेवजह एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मोहन नगर थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने तुरंत मामले की जांच करवाई और कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों की सुनकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारी ओर से की जाएगी। पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाला पर्व जश्न ईद मिलादुन्नबी 16 सितंबर को अंबिकापुर सहित जिला मुख्यालय तहसीलों में मुस्लिम समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश दुनिया के साथ शहर अंबिकापुर में भी इस्लाम धर्मावलंबियों की ओर से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता है कि इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। इस त्यौहार को नबी मोहम्मद के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों में एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र कुरान के पाठ से अल्लाह की रहमत बरसती है। वहीं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर अंबिकापुर में भी जुलूस निकाला गया। सुकमा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अंजुमन इस्लामिया कॉमेडी की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहर में गश्त करते हुए सभी मुस्लिम भाइयों ने अपनी नबी की शान में नाटो सलाम पेश किया और देश दुनिया के अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए सभी की सलामती की दुआएं मांगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद अली, सेक्रेटरी मोहम्मद हसन, नई कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अंबिकापुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के लकड़ी मिल बनारस रोड के पास विशालकाय पेड़ धराशाही हो गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। आसपास के बाउंड्री वॉल, लकड़ी मिल के गेट को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र के नवापारा के पास एक विशाल पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और नगर निगम टीम, एसडीआरएफ टीम और पुलिस टीम जेसीबी के माध्यम से पेड़ को हटाने में लगे हैं, जिससे आवागमन सुचारू बनाया जा सके। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भूथाही कैंप में लगातार हो रही बारिश के कारण एक पेड़ सड़क मार्ग पर गिर गया, जिससे बिजली के खंभे भी क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल जवानों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। साथ ही भारी बारिश की वजह से रास्ता भी खराब हो गया है, जिससे वहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर सड़क को भी सुधारा जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि लगातार बीते दिन 3 दिनों से कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण लगातार क्षेत्र में बारिश हो रही है और आगामी कुछ दिनों के लिए भी यही स्थिति बने रहने के आसार हैं। भारी बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते पेड़ धराशाही हो गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में स्थित नमन फूड प्रोसेस राइस मिल में आग लग गई। आग लगने से इलाके में खलबली मच गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद राइस मिल मालिक ने पुलिस और जिला अग्निशमन को फोन किया और आग लगने की जानकारी दी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जिला अग्निशमन विभाग के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड को मौके के लिए रवाना किया। 25 से ज्यादा फायर फाइटर आग बुझाने के लिए पहुंचे। फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियों से राइस मिल में लगी आग को बुझाने का काम किया गया। उन्होंने बताया कि आग काफी तेजी से फैलते हुए पूरे राइस मिल में फैल चुकी थी, जिसे कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू किया गया। बता दें कि राइस मिल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। राइस मिल मालिक को लाखों के नुकसान की आशंका है।
सारे नाइट शिफ्ट वाले जो लेबर हैं वो सुबह लाइट बंद करने के लिए शेल्टर खोले तो देखिए शॉर्ट सर्किट के कारण पीछे बारदाना में आग लग गई है। तो उन्होंने हमको सुबह 5:30 बजे फोन लगाया, 5:30-6 बजे करीब तो फोन लगाया तो हम तुरंत ही तुरंत आए। 7:15-7:15 बजे फायर ब्रिगेड वाले आए, तब से अभी बुझी है। किसी प्रकार की कोई क्षति, किसी को चोट लगी हो? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं लगी है, कोई इंसान किसी को कहीं कहीं कुछ नहीं लगा है, सिर्फ माल और मटेरियल का नुकसान हुआ है और बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ है। लगभग कितने का ये नुकसान हो सकता है? ये अभी तक एस्टीमेट पता नहीं चला है मगर बड़ा नुकसान है। जब ये जानकारी हुई तो क्या आपके पास उस समय कोई अग्निशमन की सुरक्षा का कुछ इंतजाम था? था, पानी का पाइप था, बड़ा बड़ा सब था, मगर क्या है 100 सर्टी का पंप उड़ गया, तो पंप उड़ने के कारण हमको पानी वहाँ पर जाके बाल्टी से ना पॉसिबल नहीं था। तब वो फायर ब्रिगेड के आने तक और वो बारदाना और उसमें आग लपेट और बढ़ गया, तो इसके कारण और ज़्यादा आग लगी। तो कॉल मिला कि राइस मिल में आग लगा जीरा सिरसा में, तो हमारी एक गाड़ी तत्काल रवाना किया गया और एक गाड़ी जब पहुंची हमारी यहाँ पे, पहुंचने के बाद में देखे कि आग की स्थिति बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे फायर का कोई सिस्टम नहीं लगा था, इस कारण हमको दूसरी गाड़ी का बैकअप आना पड़ा। तो उसमें हमको करीब 3 गाड़ी और रवाना किया गया। स्पॉट में हमारे पास 4 गाड़ियाँ रही और एक गाड़ी स्पॉट में खड़ी रही और 3 गाड़ी कंटिन्यू रिफिलिंग करते रही पास के तालाब से, और करीबन हम लोग को 60-65 गाड़ियाँ रिफिलिंग में हमको जरूरत पड़ा। और मशक्कत इस कारण हुआ हमको कि चारों तरफ से बंद था गोडाउन और कुछ कुछ जगह से खुला हुआ था, जिसको JCB से हम लोग तोड़वाएं, तोड़वाने के बाद में चारों तरफ से लोगों ने फायर फाइटिंग करके आग बुझाया। तो इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई है, वहाँ वेयर हाउस पे किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, सुरक्षा के किस तरह के उपाय हैं? इनका कुछ भी नहीं था यहाँ पे, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हालांकि छोटे होते हैं, जो फायर सिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्री के हिसाब से, पाइपलाइन होना चाहिए, 1.5 लाख लीटर का पानी स्टोरेज होना चाहिए उनके पास, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कबीरधाम जिले के थाना पांडर दहराई पुलिस को गांजा तस्करी पर एक बार फिर कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक कार से 4 किलो 50 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जब्त किया है। वहीं पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार सवार युवक कार छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने गांजे के साथ कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। कबीरधाम जिले का एकमात्र वाटरफॉल रानी दहरा जलप्रपात एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक युवक की झरने में डूबने से मौत हो गई। बीते एक महीने में ये दूसरी घटना है जहां बेमित्रा से घूमने आए युवक की मौत हुई थी। वहीं अब रायपुर से आए युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सभी युवक तिलदा रायपुर के एक स्टील प्लांट में कार्य किया करते थे। जानकारी के अनुसार सेल्फी लेने के चक्कर में वो अपनी जान गंवा बैठे। वहीं अब आसपास के ग्रामीणों की ओर से भूत प्रेत की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन सच बात तो ये है कि प्रशासन की ओर से इस जगह पर कोई पुख्ता इंतजाम ना होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब ग्रामीणों की ओर से इस वाटरफॉल को बंद करने की मांग की जा रही है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में एक पति ने पत्नी के सिर पर सबल से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि पूरा मामला ग्राम पंचायत घुघरी खुर्द के आश्रित ग्राम रकैया गांव का है, जहां कर्मा त्योहार के दिन पति और पत्नी में झगड़ा हो गया था। इसी दौरान नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी की सिर पर सबल से वार कर दिया, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से भी उन्होंने मुलाकात की। वहीं हमारे संवाददाता छाया जायसवाल से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद नेता संतोष शर्मा ने बताया कि समय समय पर इस तरह के प्रवास पूरे भारत में करते हैं और लोगों को घर वापसी करवाते हैं। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। के नेता संतोष शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय श्री राम। सर छत्तीसगढ़ का प्रवास रहने वाला है 2 दिन का, क्या कुछ विशेष रहेगा? देखिए हमारा काम तो सनातन का है और अभी सनातन का महोत्सव उत्सव भी चल रहा है गणपति बप्पा का, और कल विसर्जन का भी कार्यक्रम रहेगा। तो पूरा जो छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, वो अभी गजानन जी के विसर्जन के पर्व में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी सनातन प्रेमी आनंद में हैं
और विषय हमारा आपको पता ही है कि घर वापसी का रहता है, और विशेष नजर भी रहती है उस वर्ग के लोगों पर कि कहीं वो किसी प्रकार से सनातन को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए समय समय पर हमारे प्रवास रहते हैं और हम आते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि घर वापसी का जो कार्यक्रम रहता है वो लगातार रहता ही है, अभी हाल ही में आपने भोपाल में 8 लोगों को घर वापसी कराया, इसके बारे में? अभी कुल 8 लोगों ने भोपाल में घर वापसी की, जिसमें 5 जो ईसाई परिवार के लोग थे और 3 मुस्लिम परिवार के लोग थे। एक लड़की थी मुस्लिम, जिसने अभी एक घर वापसी करके वहां पर हिंदू रीति रिवाज से जो उसके साथ लड़का रफीक करके रहता था उसे रविंद्र बनाकर शादी भी की है। तो ये प्रसन्नता का विषय है कि युवतियां भी अब कट्टरपंथ को छोड़कर सनातन की ओर आ रही है और सनातन को सर्वश्रेष्ठ धर्म मान रही है। तो ये सनातन की विशेषता है और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता करके ये आपका ध्येय वाक्य है, किस तरह से अपने संगठन में इसे अपनाते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने इस जो आपने अभी कहा है इस बात को साबित किया है कि साई टांगा टोली करके एक एरिया है जशपुर में, वो बॉर्डर का है, वहां पर अपराध होते हैं, मुस्लिम परिवार के लोग गो तस्करी और हमारी गाय माता के साथ जो भी वहां करते हैं, इसलिए वहां पर उन्होंने प्रशासन से उस चीज को बंद करवाया है और वहां पर वास्तविकता में जो भी गलत उनके द्वारा हो रहा था, एक वर्ग के लोगों के द्वारा, मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर जो गलत कर रहे थे उसको रोका है। और ये जो मूल मंत्र जो अभी आपने बोला, इसकी स्थापना विष्णुदेव जी ने छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारे विचारों की सरकार है, और निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार से विधर्मी या कट्टरपंथी लोग किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर यदि ऐसा कुछ करेंगे तो निश्चित तौर पर यहां नारायण के नाम से जाने वाले व्यक्ति विष्णुदेव जी का राज है और वो छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर छत्तीसगढ़ में भी ये संदेश दिया है। ये आरएसएस जो है विश्व हिंदू परिषद का ही अनुषांगिक संगठन है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो है वो आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है, और आरएसएस अपने आप में कैडर बेस है, आरएसएस पूरे विश्व में है। आज जो राष्ट्र में जितने काम हो रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में जो कार्य हो रहे हैं वो सब स्वयं सेवक कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी स्वयं सेवक हैं, वो भी आरएसएस में ही पहले कार्य करते थे और अब उन आरएसएस की प्रेरणा से वो एक राष्ट्र निर्माण में एक युग के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इस युग निर्माण का अर्थ यह है कि इस युग में भारत का जो निर्माण हुआ है वो पूरे विश्व ने देखा है कि जितनी जो समस्याएं बता रखी थी भारत के अंदर धर्म के नाम पर, राम लला की स्थापना नहीं होने दी जा रही थी, आज पूरा विश्व गवाह है कि सन 2024 में इस युग को निर्माण किया है हमारे विचारों की सरकार ने, जहां पर राम लला स्थापित हुए हैं और राम लला का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आकर आज दर्शन कर सकते हैं और सबके राम का जोर से नारा लगा सकते हैं, जय जय सियाराम। तो ये युग निर्माण इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने ये युग निर्माण का काम किया, ये युग जो है राम लला का युग है और अब राम राज्य की स्थापना इस भारत के अंदर राम लला की स्थापना करके पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे विचारों की सरकार ने यह संदेश दिया है और इससे सनातन में अति प्रसन्नता है, सनातनी जो लोग हैं उनमें अति प्रसन्नता है और पूरे विश्व में हर वर्ग के व्यक्ति में प्रसन्नता है कि राम लला अब मंदिर के अंदर बैठ चुके हैं और वहां दर्शन हो सकते हैं। निश्चित रूप से राम मंदिर एक बहुत ही बड़ी सफलता है। सर, क्या कोई विशेष कार्यक्रम भी या फिर जागरूकता अभियान जैसे कोई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा कि घर वापसी लोग करते रहें? फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।